चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने कहा कि वर्तमान राजस्थान सरकार अपराधों की गणित बढ़ाने में युवा बेरोजगारों को पेपर लीक कर उन्हें रोजगार से वंचित कराने तथा महिला अत्याचार में प्रदेश को नंबर वन एक पर लाने में लगी हुई है। जी नगर ने बीते दिन भासोड़ा चौराहे पर उप तहसील में नहीं सजेगा राजस्थान अभियान के अंतर्गत अनगढ़ बाबजी के स्थान पर कही। विधायक जी नगर ने कहा, राज्य सरकार ने कई चुनावी वादे किए थे लेकिन लोगों के साथ छलावा हुआ। संगठित अपराध के क्षेत्र में प्रदेश नंबर वन बनता जा रहा है। हर जिले में गैंगवार हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर 1 अगस्त को जयपुर में नहीं सजेगा राजस्थान अभियान के तहत धरना आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कपासन विधायक क्षेत्र से करीबन 15,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को जयपुर ले जाने का काम करेंगे। इसके लिए कपासन विधानसभा में करीबन 20 बसें लगाई जाएंगी। भासोड़ा में हम भेंट करेंगे, प्रेस वार्ता के लिए आपको निमंत्रण किया था। नहीं सहेगा राजस्थान 1 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सचिवालय का महाघेराव रखा गया है। इसके अंतर्गत हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रत्येक शक्ति कमी से अधिक संख्या में ले जा करके वहाँ पर जयपुर के अंदर सचिवालय का घेराव करेंगे। 4.5 साल पहले राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आई और जो 4.5 सालों में इस कांग्रेस की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है, ये महाभ्रष्टाचारी जंगल राज, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली सरकार राजस्थान के अंदर बैठी हुई है और आम जन इससे परेशान है। तो आम जनता इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना चाहती है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया गया और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे संदेश को सब लोगों तक पहुँचाएंगे। प्रदेश में आए दिन घटनाएँ हो रही है और लगातार इन घटनाओं से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। राजस्थान के अंदर हत्याएं हो रही है, लूट, चोरी, डकैती, अपहरण, गोलीबारी और राजस्थान में ऐसा लग रहा है जैसे गैंगवार होकर के पूरा राजस्थान जंगल राज हो गया, यानी कोई कानून व्यवस्था नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, गैंगरेप, छेड़छाड़, महिला उत्पीड़न की घटनाओं में राजस्थान अव्वल नंबर पर हो गया है और राजस्थान के अंदर लगभग 8,72,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक ये राजस्थान इस कानून व्यवस्था को ख़त्म करने में इनकी ये पूरी ब्यूरोक्रेसी और कांग्रेस राज में हम इसकी निंदा करें जितनी कम है इस कांग्रेस राज की, कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो भी देखने लायक है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है उसमें राजस्थान नंबर वन पर हो गया। भ्रष्टाचार में भी राजस्थान नंबर वन पर है, दलित अत्याचार में भी नंबर वन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कितने गरीबों पर कितने जुर्म ढा रहे हैं इसी कोई सीमा नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ, जैसे राजस्थान के अंदर कई उदाहरण है कि दलितों के साथ हत्या हुई, उनको पीट पीट करके मारा गया, उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, दलित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है, इनके मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते हैं, इनको जातिगत गाली देकर अपमानित किया जाता है। इस प्रकार की घटनाएँ राजस्थान के अंदर हो रही है। अभी हमारे चित्तौड़ जिले में भी कई घटनाएं हुई है, उनमें से एक चश्मदीद अभी उदाहरण मेरे सामने आया है। 10/7/23 को एक जुनेद नाम का सावा का बड़ा उद्योगपति या माइंस होल्डर कह सकते हैं, उसने अभी सावा के अंदर एक शांतिलाल मेघवाल है, उस शांतिलाल मेघवाल के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और उसने सावा थाने के अंदर जाकर के 10 तारीख को अपनी फरियाद दी, FIR दर्ज गई, लेकिन वो FIR दर्ज आज तक नहीं हुई। और उस जुनेद ने झूठ मूठ के एक कहानी बना करके 28 तारीख को जुनेद ने शांतिलाल के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया और वो मामला दर्ज हो गया, जबकि उस मेघवाल ने दिया गया जो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने लगे और उसको मारने का प्रयास किया गया। तो जुनेद पैसे वाला होने के कारण उस दलित व्यक्ति की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस संबंध में हमने सबको जानकारी दे दी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसकी हम निंदा भी करते हैं। और इस प्रकार से इस राज्य में लोग सब पीड़ित हैं। भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर वन पर हो गया। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले में राजस्थान नंबर वन पर है। युवा बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी में राजस्थान नंबर वन पर है। और इस प्रकार से जो युवा हैं जिन्होंने आशा लगाई थी, 4.5 साल पहले सरकार रहती थी उसने ये आशा की थी उससे कि हम इन नौजवानों को
बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, किसानों का कर्जा भी माफ़ करेंगे, नहीं तो किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, नहीं बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिल रहा है। इस प्रकार से 10 दिन में कर्जा माफ़ करने वाली सरकार आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है और लोग बड़े त्रस्त हैं, इनकी ज़मीनें नीलाम हो रही है। लगभग 19,00,000 किसानों की ज़मीनें अब तक नीलाम हो गई राजस्थान के अंदर, और काश्तकार फांसी के फंदे पर डटा करके अभी जान दे रहे हैं। और अभी ये घटनाएं हमारे सामने आई है जिसने वीडियो बना करके डाला, लेकिन उसके बाद भी सरकार के काम पर जुड़े नहीं रह गए। बेरोजगार युवा बड़े परेशान हैं, पेपर लीक में सरकार बड़ी वीक हो गई है और युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जब परीक्षा देकर के युवा बाहर निकलता है और बाहर निकलते उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनके शब्दों पर पानी फिरता है। और एक बच्चे ने ये कहा कि पिताजी मैं आपके लिए खरा नहीं उतर रहा हूँ, मैं आपकी जो बात की थी कि उसके ऊपर मैं नौकरी लगूंगा, अच्छे ढंग से लगूंगा, लेकिन लगातार बार बार पेपर लीक होने के कारण मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा हूँ, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। ऐसी शर्मनाक घटनाएँ इसमें हो रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा था हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, किसानों को 8 घंटे बिजली देंगे, लेकिन किसानों को रात में बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा हम 24 घंटे घर में बिजली देंगे दे रहे हैं, लेकिन बार बार कटौती हो रही है, खाना खाते समय बिजली आती नहीं है। इन्होंने कहा हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, 7-7 बार राजस्थान के अंदर बिजली की दरें बढ़ी और फ्यूल सरचार्ज के नाम से करोड़ों रुपए राजस्थान की जनता से ठगी हो रही है और लाखों लाखों रुपए की विशियारें बना करके बिजली उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है। राजस्थान के अंदर जंगल राज, भ्रष्टाचारी, तुष्टिकरण के आधार पर बनी हुई है सरकार। आने वाले समय में हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कमर कस के लिए तैयार है और राजस्थान के अंदर सुशासन देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबका साथ देती है, सबका विकास करती है, सब पर विश्वास करती है और सबके प्रयास से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम यहाँ स्थापित करेंगे। 1 अगस्त को सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर पहुँच करके इस महाघेराव के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और एक निवेदन करना चाहूँगा, अभी सरकार किसी काम पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी गहलोत साहब कपासन विधानसभा क्षेत्र में आए थे हेडक्वार्टर के ऊपर और उन्होंने कहा भाई कि भोपाल सागर, कपासन, डिंडोली, धमाड़ा बांध नहीं भरते हैं तो बनास नदी में यदि पानी आएगा तो हम धमाड़ा कपासन फिल्टर के माध्यम से पानी लाएंगे, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण, मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नए तालाबों के अंदर पानी आ रहा है, इसलिए यदि मुख्यमंत्री जी कोई आदेश करें, मन से आदेश करते तो 24 घंटे के अंदर काम हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद की उदासीनता के कारण अभी तक इस फीडर के द्वारा न तो कपासन में पानी आया, न दबाने में आया, न भोपाल सागर में आया और किसी भी तालाब के अंदर पानी नहीं आ रहा है। लगातार जनता, कपासन की जनता धरना प्रदर्शन कर रही है, भोपाल सागर की जनता धरना प्रदर्शन कर रही है, धमाड़ा की जनता धरना प्रदर्शन कर रही है, बिनोली की जनता धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जिला कलेक्टर राजसमंद की उदासीनता, सिंचाई विभाग राजसमंद की उदासीनता और यहाँ तक कि सरकार की उदासीनता के कारण आज पानी बहकर, बनास का पानी बहकर के समुद्र में जा रहा है, लेकिन उस पानी को रोक करके जनता के लिए काम नहीं दिया जा रहा है। इसकी भी हम भर्सना करते हैं और हम सरकार से वापस निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय आपने जो घोषणा की है उस घोषणा के मुताबिक आप अपने चित्तौड़ कलेक्टर और राजसमंद कलेक्टर को देकर के ये पानी जो समुद्र में जा रहा है उस पानी को कपासी विधानसभा क्षेत्र की जनता को दें ताकि सबका भला हो सकता है। और पुनः मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे सब कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जयपुर पहुँचेंगे और 1 तारीख के धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे।